हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। मशहूर हॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स एंड गेम के डायरेक्टर रूसो ब्रदर्स की अपकमिंग स्पाई थ्रिलर फिल्म द ग्रे मैन में साउथ सुपरस्टार धनुष की एंट्री हो गई है। इस बिग बजट हॉलीवुड फिल्म में धनुष दुनिया भर में कैप्टन अमेरिका के नाम से मशहूर क्रिस इवांस के साथ नजर आएंगे। क्रिस इवांस के अलावा एक्टर रियान गॉसलिंग और एक्ट्रेस एना डे भी फिल्म की स्टार कास्ट में शामिल हैं। इस फिल्म में धनुष के शामिल होने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी गई है। वहीं धनुष ने भी एक पोस्ट लिखकर इस बात की जानकारी दी है। धनुष, एना और अन्य सपोर्टिंग कास्ट के मेंबर्स का फिल्म में क्या रोल होगा, हालांकि अभी इसका खुलासा नहीं किया गया है। रूसो ब्रदर्स अपने बैनर के तहत इस प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस करेंगे। रिपोर्ट्स की माने तो मेकर्स जनवरी में फिल्म की शूटिंग लॉस एंजल्स में शुरू करेंगे, जबकि शूटिंग के लिए इंटरनेशनल लोकेशंस मेकर्स ने अभी फाइनल नहीं की है। खबरें तो ये भी है कि धनुष की ये स्पाई थ्रिलर फिल्म द ग्रे मैन करीब 1500 करोड़ के बड़े बजट में बन रही है। ये फिल्म साल 2009 में आई मार्क ग्रेने की नॉवेल द ग्रे मैन पर बेस्ड है। बता दें, 1500 करोड़ के बजट में बन रही फिल्म में काम करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बॉलीवुड स्टार्स जैसे सलमान, शाहरुख, आमिर, अक्षय और अजय जैसे स्टार्स ने भी अभी तक इतने बड़े बजट की फिल्म में काम नहीं किया है, लेकिन धनुष ने इस मामले में सबको मात दे डाली है। बता दें, द ग्रे मैन धनुष की दूसरी हॉलीवुड फिल्म होगी। इससे पहले धनुष साल 2018 में रिलीज हुई क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी ऑफ फकीर में लीड रोल में दिखाई दिए थे। भारत में ये फिल्म 21 जून 2019 में रिलीज की गई थी। बताते चले कि धनुष अगले साल बॉलीवुड फिल्म अतरंगी रे में नजर आएंगे। धनुष इस फिल्म में सारा और अक्षय के साथ दिखाई देंगे। ये फिल्म आनंद एल राय डायरेक्ट करेंगे। फिल्म 14 फरवरी 2021 को रिलीज की जाएगी। बता दें, साउथ में सफल करियर के बाद धनुष ने 2013 की सुपरहिट रोमांटिक फिल्म रांझना से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म से धनुष को काफी सराहना मिली थी और अब वो 1500 करोड़ के बजट में बनने वाली हॉलीवुड फिल्म में काम करने जा रहे हैं। वैसे आप धनुष की इस फिल्म को लेकर कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।